कारोबार जो ना बड़ा आसान तरीका है, जिसको समझ आता है कि आपने सस्ता खरीद लिया और महंगा बेच लिया, बस बीच में आपको प्रॉफिट आ गया। या लाजमी नहीं है कि यार लोग कहते हैं जी कारोबार में जाएंगे नुकसान नहीं होगा तब तक सीखेंगे नहीं, यार ये क्या बात। यकीन करें आज भी आप हमारी वीडियो जो हमारी डली में सिर्फ वही देख लेना, वही देख के आप मार्केट चले जाए ना तो दुकानदार आपके सवालों का आज भी जवाब नहीं दे सकता। ऐसे ही दुकानदार के पास आप सिर्फ 12 वाट लेके जाएंगे ना, वो कहेगा 18 वाट, 24 वाट, 30 वाट, 7 वाट, 40 वाट, वो पागल है। 12 वाट सिर्फ आपसे ले, बाकी बात चले। रॉ मटेरियल के अंदर जाके अपने ब्रांड या अपने कारोबार या अपनी इंडस्ट्री में जाके 2 लाख में भी सूटेबल नहीं है, 5 लाख में भी सूटेबल नहीं है, 4 लाख रुपए में ब्रांडिंग पड़ती है आप। यानी ये 4 लाख रुपया लग गया, इसके बदले में अभी आना कुछ भी नहीं है। अगर वो कल को काम बंद करेंगे ना, मैं भी होऊंगा ना, मैं कहूंगा वो रद्दी है। एस्टिमेटली क्या अंदाजा कहते हो कि यार अगर मैंने आज एलईडी बल्ब का बिजनेस करना स्टार्ट करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट, क्या एक्सपीरियंस और किस तरह से? देखिए मेरा जो है ना सबसे बड़ा मानना बिलीव ये है कि अगर आपने कारोबार जो है ना बड़ा आसान तरीका है, जिसको समझ आता है कि आपने सस्ता खरीद लिया और महंगा बेच लिया, बस बीच में आपको प्रॉफिट आ गया, ये आपका बिजनेस है। इसके अंदर अब आपकी सर दर्द है कि आपने कितनी सर दर्द लेनी है, कितना आपने उसके अंदर प्रेशर लेना है, कितना जो है वो आपने उसके अंदर जो है वो अपने आप को इन्वॉल्व करना है। कारोबार आपने शुरू करना है, कारोबार शुरू जो करते हैं ना वो जिनके बिल्कुल माइंड क्लियर होते हैं वो हमेशा डिगिंग करते हैं कारोबार की, ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। लाजमी नहीं है कि यार लोग कहते हैं जी कारोबार में जाएंगे नुकसान नहीं होगा तब तक सीखेंगे नहीं, यार ये क्या बात, ऐसी ये सब झूठ है, पुरानी बातें हैं। आपके पास YouTube है, आप YouTube पे देखें ना कि आप एक चीज चलें टॉपिक एक गलत है कि जी आप 15-20 हज़ार या 40 हज़ार रुपये में कारोबार छोड़ो, इसके अलावा कितनी वीडियोज पड़ी हैं जो आपको घर बैठे इतनी नॉलेज दे सकती हैं कि अगर आप पहली दफ़े भी मार्केट में जाएंगे ना तो अगला बंदा आपसे सवाल कर सकता है कि यार इतनी नॉलेज तेरे पास कहाँ से है। और यकीन करें आज भी आप हमारी वीडियो जो हमारी डली में ना सिर्फ वही देख लेना, वही देख के आप मार्केट चले जाए ना तो दुकानदार आपके सवालों का आज भी जवाब नहीं दे सकता। ऐसे ही है उन सवालों का, बिल्कुल ऐसे। आज के दौर में जिसने काम करना है ना उसको देखना चाहिए कि मेरा काम है प्रॉफिट निकालना। मैंने प्रॉफिट, जब प्रॉफिट में बात आ जाती है तो आप देखें कि यार आपके लिए कौन सा आसान है। आप आया कि रॉ मटेरियल में डील कर सकते हैं, आया कि आप तैयार डील कर सकते हैं, आया कि जो है आप सिर्फ डीलरशिप लेकर डील कर सकते हैं। आजान होने लग पड़ी थी इस बार। हाँ जी देखें, जब हमने काम शुरू करना है ना तो सबसे पहले आप देख लें कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। अभी जो मैं कहता हूँ कम से कम इन्वेस्टमेंट आपके पास 5 लाख रुपया होनी चाहिए, जिस तरह कारोबार करना है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। 5 लाख में आपने ये नहीं कहता कि 5 लाख आपने इकट्ठा लगा देना, आपने लाख भी इकट्ठा नहीं लगाना, लेकिन आपके पास 5 लाख होना चाहिए कि यार आप आहिस्ता आहिस्ता करके 3 से 4-5 महीने में जब आपको कारोबार की समझ आने लग जाए आप इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकें पैसे को, सरमायाकारी को इसमें। फिर आप जब ब्रांडिंग की तरफ जाते हैं तो ब्रांडिंग का खर्चा आपका एक के अंदर, अगर आप 12 वाट जैसे हमारा होता है हाइप क्रिएट होती है 12 वाट की कीमत ज़्यादा होता है तो 12 वाट के अंदर जो है 35 हज़ार रुपये आपका कॉटन का खर्चा है, डब्बे का खर्चा है, ठीक है। उसके बाद आपका मास्टर कार्टन है, कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये मास्टर कार्टन में खर्चा आता है जो उसकी पैकिंग होती है, ठीक है, 50 पीस की या 100 पीस की, ये आपका 60 से 70 हज़ार रुपया। उसके बाद फिर आपकी रॉ मटेरियल की बारी आ जाती है, रॉ मटेरियल से पहले मशीनरी की बारी आ जाती है। मशीनरी की कॉस्ट मिनिमम आज के दौर में आप ओवरऑल हर चीज़ लगाएं सेटअप लगाते तक आपका खर्चा 25 हज़ार रुपया तकरीबन आ जाता है हर सूरत, नॉर्मल बात है ये। अब इसको आप जितना मर्जी स्टैंडर्डाइज करते जाएं, मशीनरी बढ़ाते जाएं, वेरिएबल ले लें, आप दूसरी तीसरी चौथी मशीन ले लें, ल्यूमेंस मीटर ले लें, ये फिर लाखों में खर्चा हो जाता है, ठीक है ना। यानी जितना पॉसिबिलिटी नजर आती जाए कि मेरा कारोबार मजीद एक्सपैंड, आप उस हिसाब से उसको करें, लेकिन अगर आपको शुरू में जो है वो चीजें चाहिए वो आपकी 25 हज़ार तक नॉर्मल इसका खर्चा आता है। या आपका जो है ना मिनिमम आपका इनिशियल स्टेज में कि ना आपने भी मार्केट में माल फेंका है ना आपने कुछ और किया है, आपने सिर्फ अपनी जो है वो उन चीजों को क्रिएट किया है कि जिसके थ्रू जो है वो आपने मार्केट में इन होना। अभी इसमें पब्लिसिटी पैड नहीं आपका शामिल, आपका विजिटिंग कार्ड नहीं शामिल, इसके बाद आपकी बिल बुक नहीं शामिल, आपका ब्रोशर नहीं शामिल, आपकी कंपनी का पोर्टफोलियो नहीं शामिल। आज के दौर में ये चीजें जरूरी है, बिल्कुल छोटा बंदा भी है तो ये लाख रुपया आपका खर्चा है सीधा सीधा, लाख से निकल गया। उसके बाद आपकी रॉ मटेरियल की बारी आ जाती है, फिर आप कम से कम 1000 पीस उठाते हैं 12 वाट का, तो वो आपका आज के दौर में 1,20,000-10,15 ये रेट चल रहा है। क्वालिटी क्या डजंट मैटर, वो बाद में बात करेंगे, भी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। 1,20,000 रुपया तकरीबन आपका उधर खर्चा आ जाता है, 2,20,000 तो आप लगा बैठे हैं। कौन कहता है कि 20,000 रुपये में कारोबार शुरू करवा दें। फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तरफ जाते हैं तो मेरे ख्याल यानी ये 2,20,000 है तो बिल्कुल एक साइड पे हो गया जिससे आपने कुछ भी नहीं किया। अभी देखे सिर्फ 12 वाट दुकानदार के पास आप सिर्फ 12 वाट लेके जाएंगे ना, वो कहेगा 18 वाट, 24 वाट, 30 वाट, 7 वाट, 40 वाट, वो पागल है। 12 वाट सिर्फ आपसे ले, बाकी बात चले। हाँ ये भी है,
तो फिजिबिलिटी जो है रॉ मटेरियल के अंदर जाके अपने ब्रांड या अपने कारोबार या अपनी इंडस्ट्री में जाके 2 लाख में भी सूटेबल नहीं है, 5 लाख में भी सूटेबल नहीं है। उसकी रीजन क्या है, 3,40,000 रुपया आज रेट है अगर आप पूरी ब्रांडिंग बनवाते हैं तो, जीरो से शुरू करते हैं 40 वाट तक जाते हैं, और इसमें कोई मोल्ड लाइट शामिल नहीं है, कोई आइस लाइट शामिल नहीं है, कोई पैनल लाइट शामिल नहीं है, ये सिर्फ वो नॉर्मल वैरायटी है कि आप 8 वाट SMD 12 वाट SMD डब्बे 0, 5, 7, 8, 12, 24, 30, 40 वाट का 3,20,000 रुपया प्लस आप इसमें अपनी पब्लिसिटी ये वो सब लगाएं 60 से 70,000 रुपया ये कॉस्ट है, 4 लाख रुपए में ब्रांडिंग पड़ती है आपको। यानी ये 4 लाख रुपया लग गया, इसके बदले में अभी आना कुछ भी नहीं है। हाँ जी, 4 लाख सिर्फ ब्रांडिंग में लगती है, और वो भी आपने लगाया 4 लाख। हाँ। अगर वो कल को काम बंद करेंगे ना, हाँ। मैं भी होऊंगा ना, मैं कहूंगा वो रद्दी है, वो रद्दी, वो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं है वो, किसी काम का। तो 2 से 3 लाख में जब बंदे ने काम करना है ना, देखिए आपका विजन है, आपने रॉ मटेरियल में जाना है, मुझे पता है कि लोग आते हैं जी हमने बनाना ही बनाना है, हमें चस्का है, हमें शौक है, हमने बंदे रखने ही कर, यार सब करो। लेकिन जब आपका बिजनेस सेट हो जाए, आपका काम है कि आप शुरू में बना बनाया बल्ब लो, वारंटी के अंदर लो, ना आपको वारंटी की टेंशन हो, ना आपको गारंटी की टेंशन हो, आप सिर्फ मार्केट पर फोकस करो, 6 महीने मार्केट में लगाओ, मार्केट बना लो। आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, किसी भी कंपनी से माल लेंगे उसके पास 0 से 60 वर्ड तक ब्रांडिंग होगी। आप किसी भी दुकानदार के पास जाते हो, आप उसको सब एक आप जाते हो, आप अपना विजिटिंग कार्ड रखते हो, 12 वर्ड बल्ब रखते हो, कितनी इन्वेस्टमेंट की है, 3 लाख रुपए की, और माल क्या पड़ा है, सिर्फ 1,012 वर्ड, इसके अलावा कुछ नहीं पड़ा। एक आप जाते हो, आपने सिर्फ कंपनी से 2-2 पीस सैंपल लिए हैं, आप सारे जाके सैंपल रखते हो, पब्लिसिटी पैड रखते हो, ब्रोशर रखते हो, विजिटिंग कार्ड रखते हो, मुझे बताओ जमीन, और सिर्फ आपने कंपनी से सैंपल खरीदे, सैंपल के सर पे आपने ऑर्डर उठा लेना मार्केट से, उसको अगले बंदे को टाइम दे दो कि यार 2 दिन या 3 दिन में हम आपको माल आपको डिलीवर कर देंगे, लाहौर में हमारी फलां जगह कंपनी है, वहां से आपको माल मिल जाएगा। 2 लाख रुपया वो लगाया कि जिसका पता ही नहीं है कि हाथ पांव सर क्या होगा, काम चलेगा नहीं चलेगा, ना करें ना करें, वारंटी आ जाए गारंटी आ जाए क्लेम आ जाए, कि वो माल के जहाँ पे 1,00,000 रुपया लगा के आपने सारे सैंपल 100-100 पीस ले गए हैं, और आपके पास सारी कंपनी की जो है वो उधर वो भी पड़ी है, प्रोडक्ट भी पड़ी है, वारंटी की भी कोई टेंशन नहीं, आपने सिर्फ मार्केट बनानी है, मार्केट बनानी है सर। लेकिन ये 1-2 लाख में काम चलना नहीं है, आप इसको देखें समझे काम को, जब काम समझ जाए चल जाएगा यार हाँ मैं चल लूंगा, मार्केट में मेरा जाने लग गया माल, आप उसको बढ़ाओ। फिर आज के दौर में आप कहते हैं जी 12-15,000-20,000 रुपये में काम शुरू करें और 10,000 महीना कमाएं, मेरे ख्याल से 1,00,000 रुपये लगा कर 10,000 महीने का नहीं निकाल सकते, और जो निकाल रहे बड़ी गनीमत वाली बात है, 4 से 5,000 रुपया 1,00,000 रुपया एस्टिमेट बचता है जो आपकी पॉकेट में आता है, जो कैश इन हैंड आता है। अभी इसके बाद और बड़ी सारी चीजें हैं जो मार्केट में जाके फिर बंदा समझता है कि हाँ यार मार्केट में तो हमने तो बड़ा इसको लॉलीपॉप देखा था कि हम कैश पे ले आए और हमने मार्केट में जाके देना है, तो हमें आगे से उसने पैसे दे देने, वो तुम्हारा चाचा बैठा हुआ ना जो तुम्हें पैसे पकड़ा देगा, बिल्कुल वो कहेगा अच्छा ठीक है ले गए ना, बस जाओ ठीक है दे देंगे पैसे, अगले हफ्ते जाओगे मांगने, अच्छा 2 पीस क्लेम किया है, पहले तो क्लेम देना मेरे को, अब आगे क्लेम आ गई मैं क्या करूंगा, फिर वो उस मध्य में तेरे से पैसे लगाएगा नीचे, फिर आप पैसे लगाओ, 1,00,000 का माल दिया उसको नहीं दिया, 50,000 का दिया 10,000 नीचे लगाएगा, आपको 20,000 पकड़ाएगा, लो जी 20,000 रुपया लो, एक शर्त है मुझे 200 पीस और ला के दो, फिर आप 200 पीस लेके आओगे, उसको बनाओगे तैयार करोगे डब्बा पैक करोगे उसको दोगे, फिर वो जाके पिछले पेमेंट के 20,000 फिर क्लियर करेगा, 10,000 फिर नहीं आपको आया हुआ, अगला माल 200 पीस फिर उसके नीचे लगाओ, इससे अच्छा नहीं है आपके, आप तैयार डब्बा पैक वारंटी में माल खरीदो, मार्केट में जाओ सेल करो, जो पैसे लगने हैं मार्केट में जो लगने हैं 20-25,000-30,000 परसेंटेज के हिसाब से एक दफा आप नीचे लगा लोगे आपका प्रॉफिट है वो, तो पड़े हुए वो पड़े हुए, आपको अगर क्लेम आती है और कंपनी क्लेम नहीं करती तो एक अलग मकसद, लेकिन अगर कंपनी क्लेम कर रही है तो आपको 25,000 सेव है। बिल्कुल ऐसे, उम्मीद करता हूँ मेरे ख्याल में आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि 12,000 में 20,000 में या 8,000 के अंदर ये एलईडी वाला का बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तकरीबन हम लोगों ने 70% अभी डिस्कस की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये नेक्स्ट सीरीज की पहली वीडियो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।